हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आज छठ है तो यहाँ पर ना हमारे पड़ोस में ना डेकोरेशन हो रही थी, तो हम लोग छत पर खड़े होकर देख रहे थे सारी डेकोरेशन वगैरह। और मेरे मौसी और भाई आए हुए हैं क्योंकि आज संडे है, तो भाई ये रहा और मौसी नीचे है। इसके बाद मैं मार्केट भी जाऊँगी छठ पूजा देखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत सारे पंडाल लगे हैं छठ पूजा के, तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर ना छठ पूजा हो रही है जगह जगह पे, तो मैं उसको देखने के लिए जा रही हूँ। तो अभी भाई और मौसी गए मार्केट कुछ सामान लेने के लिए, तो बस भाई मुझे रास्ते मिलेगा। एक देखो हमारे गले के ना साइड में यहीं पर छठ पूजा हो रही है, तो यहाँ पर मैं जाऊँगी देखने के लिए। और रास्ते में मेरे भाई का कॉल आया था, यहाँ पर देखो ये खड़ा, तो यहाँ से मेरी मौसी कुछ सामान ले रही है, फिर यहाँ से मौसी अपने घर चले जाएंगी। और तो देखो जहाँ पे मैंने आपको अभी दिखाया था ना कि छठ पूजा का प्रोग्राम हो रहा है, तो ये सारे लोग ना वहीं जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इन सबको भी ना थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया। देखो कितने बड़े बड़े ना डलिया ले लेके जा रहे थे, बहुत सारे लोग तो पता डीजे में गए थे ट्रक व्रक में भर भर के, वो सब मैंने रिकॉर्डिंग करा भूल गई। उसके बाद मैं गई यहाँ पर छठ पूजा देखने के लिए, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी इसलिए अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बाकी जितना रिकॉर्ड हुआ मैंने वो सब रिकॉर्ड करके डाल दिया। अभी ना मैं जा रही हूँ उसके लिए सैंडविच बनाने के लिए, इसका मन कर रहा है कि कह रही है ब्रेकफास्ट में आज हम ही खाएंगे, तो अभी हो रहा शाम के बज रहे हैं 6, तो अभी पी रही है अदरक और गरम पानी में अदरक डाल के बॉईल करके पी रही है। इससे ना क्या होता है पतले होते हैं ना, फिर पतले होते हैं, झूठी है ये, आप लोग पी लेना। और हमारे ना पड़ोस में ना छठ पूजा हो रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ डेकोरेट हो गया पूरा, तू भी चलते को भी दिखाऊं। आना आना ऊपर पीली खड़े होके तो कितना मजा आएगा, चल मैं तेरे को टंकी में बिठाऊंगी, चल आजा। कितनी सुंदर लग रही है तू, कितनी सुंदर लग रही है, चल दे। ओ वाओ, दे फ्लैश ऑन कर देती हूँ। ओ माय गॉड, मेरा फोन में कैमरा हिल गया है, चल अब कार्यक्रम। आलू की चटनी है, सुबह कचौड़ी खाई थी उसकी चटनी मैंने बचाई थी, इसीलिए बचाई थी कि मैं सैंडविच बनाऊंगी शाम को। ये रे आलू, और आलू की चटनी वहाँ रखी है, और ये है सैंडविच की चटनी। तो ये रे हमारा सैंडविच की चटनी, इससे हम सैंडविच बनाएंगे। बाकी किचन की हालत तो रखी बुरी, पहले बर्तन सारे वॉश कर दूंगी इसके बाद बनाऊंगी। देखो मैंने पूरा किचन साफ कर दिया, उसके बाद ये लड़की ही इसको मैंने डांट डांट के ऊपर लेके गई, तब चले गए ऊपर कहाँ गई। देखो ये रही चुड़ैल, अब वहाँ पे हो रही छठ पूजा, दिखाते हैं मूली मुझे बनाते हैं हम बाहर मूली वाला आए ले। देखो यहाँ पर हो रही छठ पूजा हो गई और यहाँ पे इतने छोटा सा टब कैप हो टंकी को ना काट दिया, उसके बाद उसमें खड़े होंगे। ये तुमने कर रखा है, ये कितना क्यूट लग रहा है मंदिर का, तुमने जो कर रखा है इसे सीलन आती है इससे। हाँ, लोग बनाते हैं गांव में, लोग तब बनाते हैं, यहाँ तो ये पहले सीमेंट का पक्का घोल होता है, इससे पानी नहीं मरेगा उसमें, शुरू से बताइए पानी मरेगा तो ये सीलन आएगी। हमारे घर सीलन नहीं आती, इसमें पानी मत डालना जो है। देखो देखो उधर भी हो रही लाइट से चल रही ना, अब ये सुबह उठेंगे सुबह, हाँ 3 बजे उठेंगे ताकि सूरज को उगता देखें, पता है नहीं सो जाएंगे, नहीं अब रात उठ उठ के आएंगे सुबह है ना, 3 बजे पूजा करेंगे, सूरज को देख लेंगे आंखों से, मतलब सूरज आ गया, अब जो सूरज था वो ढह गया ढल गया तो चले गए नीचे। यहाँ क्या कर रही थी इसमें, हाथ जोड़े खड़े रहते उस बाल्टी में टप में, लोग अपने अपने घर में नहीं करते ना, कर मैं गई तो थी अभी देख कर तो आई, बस तेरा काम हो गया, दिखा दे मेरे को ये, चल आप चल सकती तू नीचे। सैंडविच खाएगी, सैंडविच नहीं बहन जब आलू की चटनी उसमें डाल ली तो वो सैंडविच कहाँ से हुआ बेसन में तो ब्रेड पकौड़ा बन गया, बेसन में सना के, बेसन में मिला के नहीं, बेसन में सना के। ओ माय गॉड, तू जूम हो गई बहुत ज़्यादा, इसको देखो मेरे कपड़े पहन के बैठे देगा। देखो लोवर मेरा है, पता नहीं जूम क्यों हो रहा है क्या हो गया, लोवर मेरा पहना है,
टी शर्ट अमन की, लाली पाउडर किसका लगा, ये खुद का लाली पाउडर ग्रीन ग्रीन, ये रहा टी नीचे बनाऊंगी, चल खा ले, दो हैं, एक ये रहा एक वो रहा, गाइस वैसे कितना अंधेरा, पट में स्लाइड के पास जाके उजाला ला सकती हूँ, तू भी उजाला कर, नीचे मुँह कर लाइट के पास एकदम। सो अब मैं बनाने वाली हूँ सैंडविच, बट मुझे समझ नहीं आ रहा जब आलू उसमें डाल देंगे तो सैंडविच कैसे, उसमें तो सैलेड वगैरह डाल के बनता है ना, तो हम चलो आलू वाला सैंडविच बनाएंगे। हाँ आलू वाला सैंडविच होता है, तो ये ब्रेड और चलते हैं खाते हैं। और कढ़ाई में बनाऊँगी मैं हल्का सा, उसमें ऑयल डाल के उसके से सेक देंगे, और अदरक वाली चाय भी बनाऊँगी। अब हम सैंडविच बनाएंगे तो ना सबसे पहले इसको कट करते हैं। सैंडविच बनके रेडी, अब इनको जल्दी से फ्राई कर लेंगे। सो मैंने कढ़ाई में अभी हल्का सा ऑयल डाला है और साइड में बन रही चाय, अब सारे मैंने सैंडविच रेडी कर दिए ऐसे, बाकी थोड़ी सी और आलू की चटनी बची है बट इतने बहुत हैं, तो अब इसको हम ऐसे रख देंगे इसमें ऐसे। और इससे हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे, मैंने इसमें 3 रख दिए, इसमें अब हल्का सा ऑयल डाल देंगे। सो एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है, अब दूसरी तरफ से फ्राई हो रहा है। इस बार मैंने 4 लेयर लगा दी इसमें, 1, 2, 3, 4 और 3 ये रे। सो मेरे सैंडविच बनके रेडी हैं और मेरी चाय भी बन गई। सो गाइस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना।